मैं यही कहना चाहूँगा जितने भी हमारे भाई बहन हैं बिहार के, तो आप में हम में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है, काफ़ी मेहनत करने की क्षमता है। ये बताइए घर पे अभी माहौल कैसा है? CDPO रैंक 1, 67 BPSC में भी आपने सिलेक्शन लिया है, UPSC मेंस भी आपने दे रखा है। बिहारी लोग या तो रिक्शा चलाते हैं या तो IAS ऑफिसर बनते हैं। जैसे कि आपने 3 साल दिल्ली मुखर्जी नगर में बिताया है ना, तो इन 3 सालों का क्या एक्सपीरियंस है और क्या क्या संघर्ष होगा आपको सामना करना पड़ा है? लोग 69th दे रहे हैं तो उन्हें तो अब कम से कम वीक में एक या दो ऐसे लिखना ही चाहिए। 70th BPSC प्रीलिम्स के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सजेशन उनको दें? नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी हमारे साथ है राजा प्रताप सर, जिनका इस बार 67th BPSC में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर के पद पर चयन हुआ है और BPSC CDPO रैंक 1 भी लाया है सर ने, और इस बार UPSC मेंस भी लिख रखे हैं सर ने। तो आइए सर के साथ डिस्कस करते हैं और जानते हैं सर की क्या रणनीति थी, कैसे पढ़ते थे और क्या क्या रिसोर्सेज सर ने फॉलो किया। सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इस मुकाम को हासिल करने के लिए। थैंक यू सर। आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आपका नाम क्या, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? जैसे आपने बताया कि मेरा नाम राजा प्रताप है जी सर, और मैं बिहार के सहरसा डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूँ। ओके। मैं पिछले 3 साल से सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में कर रहा हूँ दिल्ली में रहकर। ओके। और अभी रिसेंटली CDPO का एग्ज़ाम जो कि BPSC कंडक्ट करवाती है, उसमें मेरा रैंक 1 था और अभी जस्ट 67th का भी रिजल्ट आया है जिसमें मेरा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर के पोस्ट पे मेरी सिलेक्शन हुई। ओके। सर ये बताइए घर पे अभी माहौल कैसा है? CDPO रैंक 1, फिर BPSC में भी आपने सिलेक्शन लिया है, UPSC मेंस भी आपने दे रखे है, मतलब काफ़ी सारे चीज़ें एक साथ। हाँ हाँ, ये बिल्कुल मैं शुक्रगुजार हूँ भगवान का, अपने शिक्षक का, पेरेंट्स का, अपने दोस्तों का, ठीक है, उन सारे लोगों की मेहनत मेरे साथ है, दुआएं मेरे साथ है, और बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बता नहीं सकता हूँ घर वाले लोग कितने खुश। अच्छा, ये जर्नी आपका कब से स्टार्ट हुई थी, BPSC का या फिर UPSC का? जैसे देखिए, मैं एक शुरुआती दौर से मैं एक इंजीनियर बनना चाहता था। अच्छा अच्छा, ठीक है। और उसके बाद मैं किसी कारण बस उसे परस्यू नहीं कर पाया, कुछ दिनों तक मैंने टीचिंग भी की। उसके बाद मुझे सिविल सर्विसेज के बारे में उतनी ज़्यादा आइडिया मुझे था नहीं। ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर के ड्यूरेशन में मुझे लगा कि मेरे अंदर ये पोटेंशियल है, मैं इसको बहुत बेहतर तरीके से मैं कर सकता हूँ। फिर अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैं दिल्ली आया। दिल्ली आने के बाद मैंने JNU में JNU के एंट्रेंस भी निकाली, वहाँ पे मास्टर्स में कर रहा था ज्योग्राफी से। ओके। और साथ ही साथ मैं प्रिपरेशन भी कर रहा था। जैसे ये आपने बताया कि 3 साल हो चुके हैं आपको दिल्ली में, तो किस साल आए थे आप दिल्ली? हमारा अभी 2020 में। अच्छा अच्छा, तो बात करें BPSC का, BPSC के लिए आपने कोई स्पेशल प्रिपरेशन की थी या फिर UPSC के साथ साथ ही हो गया? नहीं, UPSC की प्रिपरेशन मैंने की थी, लगभग मैं आपके पास जनरल आइडिया आ ही जाता है जी। बट इतना भी नहीं कह सकते हैं कि आप कोई UPSC की प्रिपरेशन कर रहा है तो BPSC उसके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। BPSC के लिए अलग थोड़े स्ट्रेटजी फॉलो करने होते हैं जो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है UPSC से। तो UPSC में आपने कितने बार अटेम्प्ट दिया, कितने अटेम्प्ट हो चुके हैं? मेरा टेक्निकली थर्ड अटेम्प्ट था। थर्ड अटेम्प्ट था, और इस बार आपने UPSC मेंस लिखा हुआ है जी। तो इससे पहले आपने जो 2-3 अटेम्प्ट्स और दिए? हाँ, मैंने एक बार इससे पहले मैंने एक बार मेंस लिखा हुआ है, बट मेरा इंटरव्यू कॉल नहीं आया था, मेरे 14 मार्क्स कम रह गए थे इंटरव्यू कॉल से। ओके। और ये सेकेंड मेरा मेंस था जिसका अभी इंटरव्यू कॉल नहीं आया। ओके। और सर BPSC में ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? BPSC मैंने एक ही दिया है। ये फर्स्ट अटेम्प्ट ही था? फर्स्ट ही था मेरा BPSC भी और CDPO भी मेरा एक ही था, फर्स्ट ही था। ओके। जैसे कि आपका 67th BPSC में हुआ है, अभी जो है 69th BPSC का प्रीलिम्स हो गया है, मेंस होने वाला है जी जी, है ना सर? तो मेंस के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए और साथ में थोड़ा सा प्रीलिम्स के लिए भी बता दीजिए आप। अभी जिन जिन लोगों ने 69th लिखा है और जो वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, और जिनका मुझे लगता है कि जो काफ़ी क्लोज हैं कट ऑफ मार्क्स से, तो मैं उन्हें कहूँगा कि आप प्रिपरेशन मेंस का बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें, शुरू कर दें, खास करके उसमें नोट्स अच्छे तरीके से बनाएं। ओके, सेल्फ नोट्स। सेल्फ नोट्स बनाएं, मे बी उसके लिए अलग अलग रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखें आप। अच्छा, जिन लोगों ने कोचिंग ले रखा है तो वो क्या कोचिंग के नोट्स के ऊपर रिले करें या फिर अलग से उनको करना चाहिए? कोचिंग नोट्स भी ठीक है, सफिशियंट है, बट मैं चाहूँगा
कि स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखें और क्वेश्चंस को देख करके एक बेहतर नोट्स खुद से भी प्रिपेयर करें, कोचिंग मटेरियल का भी इस्तेमाल करें उन्हें। कोई कोचिंग के नोट्स आंसर अगर अपने आप में सफिशिएंट लग रहा है तो आप डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। लेकिन जैसे ही आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद आप प्रैक्टिस पेपर आप करना शुरू कर दें, लिखना शुरू कर दें आप आंसर। 3 घंटे के पेपर को आप कोशिश करें कि 2.5 घंटे में कंप्लीट करें आप घर पे जब आप लिख रहे हैं तो। ओके सर, आंसर राइटिंग पहले से भी क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए, जैसे प्रीलिम से पहले या फिर? हाँ, कुछ आंसर आप लिखते रहें, जो सिलेबस आप कंप्लीट करते हैं, जिसके नोट्स आपके अच्छे बन गए हैं, उसकी आंसर राइटिंग आप कर सकते हैं। अब खास करके जब से ऐसे अब आ रहा है तो मैं कहूँगा जो भी तैयारी करने वाले लोग हैं उनको कि आप ऐसे मंथ में 2 से 3 ऐसे या हो सके तो 4 ऐसे भी आप लिखें, क्योंकि ऐसे एक थॉट प्रोसेस का गेम है जो डेवलप ईजीली और शॉर्ट पीरियड में नहीं होता है, उसके लिए टाइम देना पड़ता है। तो आपका वो डेवलप होने में 3 महीने 6 महीने 4 महीने लग सकते हैं, तो इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि अभी से आप कुछ कुछ ऐसे लिखना शुरू करें। और जो लोग 69th दे रहे हैं तो उन्हें तो अब कम से कम वीक में 1 या 2 ऐसे लिखना ही चाहिए, क्योंकि GS 1 और GS 1 and 2 में मोस्टली एवरेज मार्क्स लोगों के आते हैं, हर किसी के इक्वल मार्क्स आ जाते हैं। बट जो डिफ्रेंशिएट करेगा वो अब जब वो ऑप्शनल पेपर नहीं है तो ऐसे पेपर ही करेगा। ओके सर, अभी 70th BPSC प्रीलिम्स के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सजेशन उनको देना चाहेंगे? जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि पैटर्न चेंज हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल सवाल पूछे जा रहे हैं, रीजनिंग बेस्ड सवाल पूछे जा रहे हैं। तो जी, अब तक आप ल्यूसेंट से काम चला ले रहे थे तो मैं कहूँगा कि अब आप NCERT भी पढ़ें, किसी कोचिंग के अगर वैल्यूबल नोट्स हैं तो आप उसको यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप NCERT को ज़रूर पढ़ें ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हों, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को तभी आप टैकल कर पाएंगे। ओके सर, जैसे कि आपने 3 साल दिल्ली मुखर्जी नगर में बिताया है ना, तो इन 3 सालों का क्या एक्सपीरियंस है और क्या क्या संघर्ष होगा आपको सामना करना पड़ा यहाँ पर? देखिए, संघर्ष तो जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो शुरू हो ही जाता है, बट स्टूडेंट लाइफ में ये संघर्ष भी ज़रूरी है, बहुत कुछ चीज़ें सिखाता है और बहुत तेज़ी में आगे बढ़ने का एक एनर्जी भी देता है। यस, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आप दिल्ली में हैं तभी आप बेहतर कर सकते हैं, जो दूर दराज वाले इलाके में अपने घर से भी अब तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन सुविधाएं हो गई है, अब कोई ज़रूरी नहीं कि दिल्ली में ही आकर के आप प्रिपरेशन करें। अगर आपका डिटर्मिनेशन काफ़ी स्ट्रांग है तो घर से भी बहुत बेहतर रिजल्ट, घर से भी कोई भी कर सकते हैं, बिल्कुल, नो डाउट। ओके सर, लास्ट में ये बता दीजिए, दिल्ली में वैसे आप भी बिहार से हैं, बिहार सहरसा डिस्ट्रिक्ट से हैं, वैसे बिहार के बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ दिल्ली में आते हैं, छोटे छोटे कमरे में रहते हैं, तो एक बार बिहारी स्टूडेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अरे बिहारी लोग, एक चीज़ तो मैंने देखा है कि मैं दिल्ली आया था पहली बार तो मुझे एक जगह, मैं रूम जा रहा था लेने के लिए, तो रूम कहाँ पर रूम लिया था आपने? मैंने रूम लिया था ये मुखर्जी नगर का संत नगर में, संत नगर, हाँ, सबसे पहली बार। उसके बाद मैं करोल बाग साइड में शिफ्ट कर गया था। ओके, तो मुझे एक लेडी ने मुझे बताया, पूछा कि आप कहाँ से हो, मैंने बोला बिहार से, तो उन्होंने एक चीज़ बोला था मुझे जो अभी भी याद है। एक चीज़ तो उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था कि बिहारी लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनती होते हैं, लेकिन सेकंड लाइन में उन्होंने बोला था कि बिहारी लोग या तो रिक्शा चलाते हैं या तो IAS ऑफिसर बनते हैं। ये चीज़ मुझे याद है, तो मैं यही कहना चाहूँगा जितने भी हमारे भाई बहन हैं बिहार के, तो आप में हम में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है, काफ़ी मेहनत करने की क्षमता है। मैं चाहूँगा कि ये एनर्जी और क्षमता बहुत ऊँचे ओहदों के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहिए, यह ज़्यादा ज़रूरी होगा हमारे। ओके सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें टाइम देने के लिए। थैंक यू। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे एक नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।